हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लस्टर। मेरा नाम है निकिता मिश्रा और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू कवर वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। सो आपने एक बुक का नाम सुना होगा, वर्ड पावर मेड इजी। उस बुक में सारे ही वोकैब को रूट वर्ड्स के थ्रू कवर कराया गया है। रूट वर्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि एक सिंगल रूट वर्ड से उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको मेमोराइज हो जाते हैं, दोबारा ज्यादा रिविजन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ती। सो अगर आपका एग्जाम पास में है तो वो बुक पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा एंड आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप वो पूरी बुक पढ़ें इस टाइम पे। लेकिन जो भी मेरे नोट्स हैं उस बुक से रिलेटेड, लाइक हमने प्रिपरेशन से पहले बनाए थे, वो हम आपसे शेयर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी वोकैब से। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ये पसंद आता है आप कमेंट में बताइएगा। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अच्छी चल रही होगी। बट वेन वी आर डूइंग सेल्फ स्टडी वी समटाइम्स गेट स्टक इन सम क्वेश्चंस, स्पेशली इंग्लिश के कई बार रूल्स क्लिक नहीं करते और क्वांट और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कई बार सॉल्व नहीं हो पाते। एंड अगर हमारे पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए तो हमारे डाउट्स ही रह जाते हैं। इसका सोल्यूशन आपके सामने अनअकैडमी लेकर आया है आस्क अ डाउट फीचर के फॉर्म में। अनअकैडमी की वेबसाइट और ऐप पे आपको ये फीचर 24/7 अवेलेबल होगा, जहां आप वन को भी अप टू 3 डाउट्स तक पूछ सकते हैं, 2 एडिशनल डाउट्स भी पूछ सकते हैं व्हाइल दे आर सॉल्विंग योर सॉल्यूशन। इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए। अगर आपसे कोई कोड मांगता है तो आप एग्जाम क्लस्टर 10 कोड का यूज करिएगा। अपने क्वेश्चन की फोटोग्राफ लीजिए, क्रॉप करके अपलोड कर दीजिए एंड जिस भी सब्जेक्ट से कंसर्निंग आपका डाउट हो लाइक इंग्लिश फ्रेंच और रीजनिंग आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद तो आपके सामने हाई रेजोल्यूशन वीडियो आ जाएगा, दैट टू इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज। एंड स्टिल अगर आप अपने सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप रिक्वेस्ट फॉर अ रिव्यू कर सकते हैं, इससे और भी डिटेल्ड और बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा जिससे आप इजीली समझ पाए। दिस फीचर इज वेरी हेल्पफुल फॉर दोस हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी, आपके डाउट्स सारे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज साइट। साइट का मतलब होता है किलिंग या किलर। सो अगर साइट वर्ड आपको नाउन के फॉर्म में मिल रहा है तो इट मींस किलर, द पर्सन हु हैज मर्डर्ड समवन, जिसने किसी की हत्या की है। एंड साइट का मतलब अगर आपको ये वर्ड वर्ब में मिल रहा है तो इट मींस किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी की हत्या करने की जो क्रिया होती है उससे रिफर कर रहा है। आपको एग्जांपल्स से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पैट्रीसाइड, सो पैट्री इज अ रूट वर्ड इन इटसेल्फ, इसका मतलब होता है आपके फादर से कंसर्निंग। सो पैट्रीसाइड इज अ पर्सन हु हैज किल्ड हिज फादर, और द एक्ट ऑफ किलिंग वन्स फादर इज कॉल्ड पैट्रीसाइड, अपने ही पिता की हत्या कर देने वाला या फिर अपने ही पिता की हत्या करने की क्रिया, उन दोनों ही संदर्भ में हम पैट्रीसाइड वर्ड का यूज करेंगे। सिमिलरली एक वर्ड होता है मैट्रीसाइड। मैट्री का मतलब होता है आपकी मदर से कंसर्न। सो मैट्रीसाइड मींस होता है द वन हु हैज किल्ड हिज ओन मदर, अपनी ही माता की हत्या करने वाला। द सेकेंड एग्जाम्पल इज सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड मींस किलिंग ऑफ सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या कर देना। इससे रिलेटेड एक और वर्ड होता है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड मींस अपने ही भाई की हत्या कर देना। सो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स रिलेट करके क्लियर हो गए होंगे। सोरोरीसाइड मींस सिस्टर की हत्या करना एंड फ्रेट्रीसाइड मींस अपने ही भाई की हत्या करना। नेक्स्ट वर्ड इज फिलीसाइड। सो फिली वर्ड रिफर करता है किसी के ऑफस्प्रिंग से, मतलब कि उसके पुत्र या पुत्री से। सो फिलीसाइड मींस अपने ही सन या डॉटर की हत्या कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड। रेजिसाइड रिफर्स टू, रेजी रिफर्स टू अ रूलर, अ किंग और अ मोनार्क ऑफ अ पर्टिकुलर रीन, किसी भी साम्राज्य का जो राजा होता है उसके लिए हम रेजी रिफर करते हैं वर्ड्स में। रेजिसाइड मींस किसी भी एरिया की राजा की हत्या कर देना, किसी भी रूलर की हत्या कर देना। सो आई होप आपको रेजिसाइड वर्ड क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जेनोसाइड। सो जेनोसाइड आपने सुन रखा होगा, लाइक ज्यूज का जेनोसाइड कराया था हिटलर ने, तो ये आपने कई बार सुन रखा होगा। जेनोसाइड मतलब होता है किसी भी एक रिलीजन, रेस, एथनिसिटी एंड किसी भी एरिया से बिलोंग करने वाले सभी लोगों की हत्या करा देना। फॉर एग्जाम्पल द हिटलर टेंड टू जेनोसाइड ऑफ ज्यूज, हिटलर ने जितने भी यहूदी थे उनकी हत्या करवा दी थी, तो वहां पे आप जेनोसाइड वर्ड का यूज करेंगे। इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब आपको पता होगा, इट मींस नवजात शिशु। सो इन्फेंटिसाइड मींस किसी भी नवजात शिशु की हत्या करा देना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो नवजात बच्चियां होती हैं उनकी हत्या करवा देना, जो आपने कई बार सुन रखा होगा कई बैकवर्ड एरियाज में होता है कि जो नवजात बच्चियां होती हैं उनकी हत्या करा दी जाती है, उसके लिए हम फीमेल इन्फेंटिसाइड का यूज करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे भी साइट वर्ड लिखा मिलेगा, आप समझ जाएंगे कि वहां पे किसी की हत्या से बात हो रही है एंड एटलीस्ट आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे।
सेकेंड वर्ड इज एमी. एमी का मतलब होता है फ्रेंड या फिर फ्रेंडली डिस्पोजर का. जब भी आपको एमी वर्ड मिलता है इट मीन्स कि वहां पे मित्रता से जो भी रिलेटेड वर्ड संबंध है उनसे बात हो रही है. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज एमिटी. एमिटी मीन्स टू पर्सन्स इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस के बीच अगर मित्रता पूर्वक संबंध है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड बांग्लादेश है वो एमिटी बिटवीन देम. तो हमारे इंडिया और बांग्लादेश के फ्रेंडली रिलेशन है आपस में. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एमिएबल. एमिएबल इज अ एडजेक्टिव टू डिफाइन समवन. अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि वो एमिएबल है उसका मतलब उसका जो नेचर है वो प्लीजेंट है, फ्रेंडली है, सोशिएबल है. फॉर एग्जाम्पल माई न्यू नेबर इज एमिएबल इन नेचर. तो मेरे जो नए पड़ोसी हैं वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एमिसाइट. सो साइट अभी हम पढ़ के आए हैं मीन्स किलिंग. अभी हमने अभी पढ़ा मीन्स फ्रेंड. तो एमिसाइट का मतलब हो गया किलिंग ऑफ वन्स फ्रेंड. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं मोर और मोरी. इसका मतलब होता है मृत्यु से. लेकिन कई बार इस वर्ड को जब बहुत सैड ग्लूमी वर्ड को रिफर कर रहे होते हैं तब भी यूज कर लिया जाता है. सो बेसिकली मोर और मोरी का वर्ड होता है जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डेथ या फिर डाई, मृत्यु से संबंधित. मगर कई बार किसी भी बहुत ही सैड रिलेटेड चीज के लिए भी हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं. एग्जाम्पल से आपको बेटर क्लियर होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज मॉर्टल. सो मॉर्टल मीन्स कॉजिंग डेथ. अगर कोई भी चीज मॉर्टल है आप उसे मॉर्टल डिफाइन कर रहे हैं इट मीन्स कि उससे किसी की मृत्यु हो सकती है. एंड सेकेंड जो मॉर्टल यूज करते हैं हम सेंटेंसेस में फॉर एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल मतलब जिसको मरना है, जो लाइक कोई भी चीज जो फॉरएवर नहीं रहने वाली एक ना एक दिन उसको मर जाना है. मैन इज मॉर्टल मतलब मनुष्य नश्वर है, एक दिन वो मर जाएगा. एंड मॉर्टल कॉजिंग डेथ के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं लाइक राइडिंग बाइक विदाउट हेलमेट कैन समटाइम्स प्रूव मॉर्टल. हेलमेट के बिना बाइक चलाना कई बार किसी की मृत्यु तक का गंभीर हो सकता है. मॉर्टिफाई. मॉर्टिफाई जैसे हमने आपको बताया कि कई बार मोर का मतलब बहुत ही ज्यादा सैड या फिर बहुत ही ज्यादा सलन ग्लूमी के लिए यूज करते हैं. मॉर्टिफाई मीन्स किसी को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देना, किसी को बहुत ज्यादा एम्बेरस कर देना ताकि वो मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करे. नेक्स्ट वर्ड इज इमोर्टल. सो अभी आपको मॉर्टल का मतलब हमने बताया मीन्स नश्वर. तो इमोर्टल का मतलब होगा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल गॉड इज इमोर्टल. सो भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती लाइक वो जन्म और मृत्यु से परे हैं. सो गॉड इज इमोर्टल जो हमेशा रहने वाला है, लिविंग और लास्टिंग फॉर एवर. नेक्स्ट वर्ड इज मोरीबंड. सो मोरीबंड वर्ड इज यूज फॉर समथिंग दैट इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ. कि यूजुअली हम इकोनॉमी या किसी ऑर्गेनाइजेशन जो फेलियर पे चल रहा है, जिसकी सक्सेस नहीं हुई, जो एक्टिव नहीं है उसके बारे में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं श्रीलंका इकोनॉमी इज एट द पॉइंट ऑफ मोरीबंड राइट नाउ. सो जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो इस वक्त एकदम खत्म लेवल पे है. लाइक उसका श्रीलंका की इकोनॉमी एकदम ही लोअर लेवल पे चल रही है, एकदम ही एट द पॉइंट ऑफ डेथ चल रही है, उनका बजट एकदम खत्म है. तो आप मोरीबंड वर्ड यूज कर सकते हैं. इसी तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अनसक्सेसफुल रहा हो या एट प्रेजेंट वो अनसक्सेसफुल हो उसके लिए आप मोरीबंड यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड. सो मॉर्बिड रिलेट्स टू बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट, बहुत ज्यादा डेडली कोई चीज होती है तो हम उसे मॉर्बिड कहते हैं. लाइक घिनौना उसका हिंदी वर्ड यूज होगा. मॉर्चरी ये आपने वर्ड यूज कर सुन रखा होगा. जो भी हॉस्पिटल्स या इस तरह की जो चीज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है बिफोर क्रीमेटिंग इट और बिफोर ब्यूरिंग इट, दैट प्लेस इज कॉल्ड मॉर्चरी. मोरोज. मोरोज मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा सैड, अनॉयड या फिर जो अनविलिंग टू स्पीक मतलब जो बहुत ही ज्यादा दुखी है, चिड़चिड़ा है और किसी से भी बात नहीं करना चाहता, उसका नेचर हम डिफाइन करेंगे मोरोज. सो ये थे आज के कुछ रूट वर्ड्स. तीन रूट वर्ड्स हमने पढ़े. फर्स्ट था साइट. साइट का मतलब किलिंग. उसके एग्जांपल्स हमने देखे किलिंग या फिर किलर. सेकंड वर्ड था एमी. एमी मींस फ्रेंडली, फ्रेंडली नेचर का फ्रेंड. मोर और मोरी मतलब कि जो एकदम मृत्यु के पॉइंट ऑफ पे है, मृत्यु से कंसर्न है, उसका मतलब मोर या मोरी होगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आप कमेंट्स में बताइएगा. वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज. और कोई सजेशंस हो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.